सुभान अल्लाह। चूंकि हम मदीने के जर्रे जर्रे से मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत हमें अपने बड़ों से नहीं बल्कि नबियों से हमें मोहब्बत का तरीका मिला है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अलैहि सलातो व सलाम ने अपने नालायक उतार दिए, तमाम उम्मती आपके साथ जमा हो गए। फिर जब हज की शहादत अदा करने के बाद खाने काबा की ज़ियारत व तवाफ के बाद वापस उसी रास्ते से गुजर रहे थे, हज़रत मूसा अलैहि सलाम की उम्मत में से वो लोग जो उलमा कहलाए जाते थे, जो आलिम कहलाए जाते थे, हज़रत मूसा की उम्मत के, उन्होंने अर्ज किया, ऐ मूसा, ये वो शहर है जिस शहर का एहतराम तुमने किया है, तो इस शहर में जिस नबी का तुमने एहतराम किया है, उस नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में जागृति हो गई है। मूसा, हमें इजाजत अता हो कि हम यहीं आबाद हो जाएंगे। मदीने मुनव्वरा उस वक्त कोई आबादी का शहर नहीं था, वहां कोई इंसान बसता नहीं था, एक नखलिस्तान था, चारों तरफ हुजूर के दर थे और चंद टीले थे, बस एक जमीन थी। उस जमीन का एहतराम मूसा अलैहि सलाम ने किया तो उम्मत के दिल में उस शहर की मोहब्बत बढ़ गई। अर्ज किया, मूसा, अगर आपकी इजाजत हो, हम मदीना इस शहर को आबाद करना चाहते हैं, हम उस नबी की ज़ियारत करना चाहते हैं। अगर अल्लाह ने हमारी जिंदगी में उस नबी की ज़ियारत नहीं की है, कम से कम हमारा इंतकाल यहाँ होगा और हमारा मकबर इसी जमीन में होगा। कभी ना कभी वो नबी तो यहाँ आएंगे, उनके पाए मुकद्दस से चलती हुई धूल हमारे कब्रों से टकराएगी, यही हमारे लिए नजात बुलाएगा। मूसा, इजाजत हो हम इस शहर को आबाद करें। अल्लाह अकबर। उस जमाने में हजरत मूसा अलैहि सलाम ने इजाजत दी तो शहर मदीना वहां से आबाद हुआ। फिर कई नस्लियां होती, उनकी नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल चलती रही, हत्ता के बादशाह, एक बादशाह था जिसे तुब्बा हुमैली कहा जाता है, तुब्बा अवल हुमैली कहा जाता है। उस बादशाह के दिल में बात पैदा हुई कि मैं मुल्क अरब की सैर करूं और मुल्क अरब को जाकर देखूं कि अल्लाह ने कैसी कैसी हिम्मतें वहां पर रखी हैं। तो हर शहर में वो बादशाह गुजरता, बादशाह था, अल्लाह ने दौलत से नवाजा था, इनाम और इकराम की बरसात कर देता, लोग उसकी आमद की खबर सुनकर हुजूम जम जाता लोगों का। जिस शहर से वो गुजरता लोगों को नवाजते, वो वहां से गुजरा, हत्ता कि वो सफर करते करते मदीने तैयबा को वहां पहुंचा। अल्लाह अकबर। अब मदीने की सरजमीन में जैसे ही इसकी आमद हुई है, अब मुख्तलिफ हालत बदली हुई है, लोग इसका नाम सुन के जमा हो जाया करते थे, आज यहाँ एक बच्चा भी नजर नहीं आता है, कोई इसके इस्तेमाल के लिए खड़ा हुआ नहीं है। अल्लाह अकबर। ताज्जुब हुआ इसे, वो ताज्जुब में बढ़ गया, अपने ताज्जुब में आकर अपने मेहमानों से पूछना पड़ा कि आखिर क्या वजह है, क्या बात है, क्या इस शहर के लोगों ने मेरी आमद की खबर नहीं सुनी। अल्लाह अकबर। उसे जवाब दे दिया गया, कह बादशाह को कहो मेरी, तू जिस शहर से भी गुजर कर आया वो सब लेने वाले थे, ये वो शहर है मोहब्बत है जो लोगों को अता करने के लिए अल्लाह ने बनाया है, यहाँ लोग लेते नहीं है बल्कि अता करते हैं। अल्लाह अकबर। तुब्बा हुमैली ने जब इस मोहब्बत वाली दास्तान को सुना और तौरात में उस आने वाले नबी की आमद के ताल्लुक से सुना और वहां जो लोग आबाद थे उनकी आबादी का वाकया जब उसने सुना, दिल में मोहब्बत पैदा हुई, फौरन उसने इरादा किया कि ऐ लोगों, गवाह रहना, मैंने उस नबी का कलिमा पढ़ा है और मैं एक खत तुम्हारे हवाले करता हूँ, ये खत अगर तुम जिंदा हो तो उस नबी के हवाले करना, अगर जिंदा ना हो, नस्ल बदल बदल नस्ल, तुम इस सबको अपने बच्चों में मुंतकिल करते रहना, करना हत्ता के यकद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाए। अल्लाह को पर अजीजान मोहतरम, जैसे ही तुब्बा हुमैली ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उसके साथ भी काफिला था, 700 उलमा की जमात उसके साथ जो रही थी, तो तमाम उलमा ने कहा, ऐ तुब्बा हुमैली, तू तो बादशाह है, तूने अपने मोहब्बत भरे अंदाज का इजहार तूने कर दिया, हम भी हमारे मगर एक मकान को सबसे मुख्तलिफ, सबसे आला, सबसे निराला बनाया, 700 मकान एक जैसे और एक मकान सबसे आला, सबसे निराला बनाया। अल्लाह अकबर। तमाम उलमा को वहां आबाद कर दिया और एक खानदान जिसे वो उन उलमा में सबसे बड़े जो आलम थे, उसे वो एक जो एकता घर था, एक पोता घर था जो निराला बना हुआ था, उसकी चाबियां उस बड़े आलम के हवाले कर दिया और कहा, ये इंसान, ये अमानत है,
नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ जाएं, ये मेरे जानी से अजीज एक हकीर सा तोहफा की बारगाह में पेश कर देना। अल्लाह हु अकबर, ये वाकया कब का है? हुजूर की विलादत से 1000 साल पहले का वाकया, 1000 साल पहले का वाकया है। लोगों जरा सोचो तो सही कि किस अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतजाम फरमाया है, किस मोहब्बत के जरिए अल्लाह ने उस शहर मोहब्बत को बसाया है। अल्लाह हु अकबर, ताकि वो लोग वहाँ आबाद हुए, उनकी नस्ल दर नस्ल चलती रही। जो हुजूर को अपना मेहमान मेहमान बनाना चाहता होगा, हर किसी की तमन्ना थी कि हुजूर हमारे घर आ जाए, हुजूर हमारे घर आ जाए। अल्लाह हु अकबर, मेरे आका किसी का दिल तोड़ते नहीं थे, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो कोड़ा हो काला हो, हुजूर के यहाँ ये नहीं देखा जाता था, हुजूर के यहाँ दिल देखे जाते थे। मेरे आका किसी का दिल दुखाया नहीं करते थे। मेरे नबी ने फैसला अपनी ऊँटनी पर छोड़ दिया कि मैं अपनी ऊँटनी के फैसले पर आनी हूँ, कि मैं अपनी ऊँटनी की नकेल छोड़ दूंगा, मेरी ऊँटनी जहाँ जाकर बैठ जाए वही मेरी आरामगाह होगी, वही मेरा पसंद होगा। अल्लाह हु अकबर। मेरे दोस्तों, निगाहों ने देखा, उस जमाने में लोगों ने देखा कि ऊँटनी सारा शहर घूमती है और घूम फिर कर सैयदना अय्यूब अंसारी के घर आकर बैठ जाती है। लोगों का तसव्वुर तो ये कह रहा है कि अब अय्यूब अंसारी अपना खत पेश कर रहे हैं, नहीं, ये तो मेरे आका ही का घर है, मेरे आका का सल्ला है, जो आका का अय्यूब अंसारी के दर दादा और दादा उसके रहा करते हैं। हुजूर की अमानत हुजूर के हवाले की जा रही है, वरना ये बात के इंतजाम के इसलिए है कि कल कोई कहने वाला ये ना कहे कि हमने हुजूर पर एहसान किया, हुजूर पर एहसान किया, मक्का छोड़ आए थे, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर द्वार सब कुछ वहाँ छोड़ आए थे, हुजूर के पास कुछ नहीं था तो हमने अपना घर पेश किया था, कहीं कोई एहसान ना जताए। अल्लाह को ये एहसान जताना भी पसंद ना था। अल्लाह ने गैर से इंतजाम फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजारों साल पहले हुजूर की मिल्कियत में वो घर अता कर दिया, तोहफे के तौर पर नबी की बारगाह में पेश किया गया। तो दोस्तों, ये शहर मोहब्बत की दास्तान है, वाकया बहुत तवील है, लेकिन वाकई बहुत कुछ मुझे अर्ज करनी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लोग अक्सर